वेलकम टू माय चैनल राजकुमार सिंह इंग्लिश स्टार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 अप्रोच का लेसन 2, जिसका नाम है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का मतलब हो जाएगा भूलना, जिसको लिखे हैं रॉबर्ट लिंड। इस पाठ में लेखक ने अपने विचारों को उन व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो अपनी वस्तुओं को रेलगाड़ी में तथा अन्य स्थानों पर भूल जाते हैं। इस पाठ में रॉबर्ट लिंड ने भूलने के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन के बारे में बखूबी से समझेंगे। ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की एक सूची, लॉस्ट बाई रेलवे ट्रेवलर्स, जो रेलवे के यात्रियों के द्वारा खो दी गई थी, एंड नाउ ऑन सेल, और अब बिक्री के लिए तैयार है, एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन, एक बड़े लंदन स्टेशन पर, हैज बीन पब्लिश्ड, प्रकाशित की गई है। रेलवे यात्रियों द्वारा खोई हुई वस्तुओं की सूची लंदन के एक बड़े स्टेशन पर अब बिक्री के लिए पब्लिश्ड, प्रकाशित की गई है। एंड मेनी पीपल हु रेड, और बहुत से लोग जिन्होंने इसे पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हुए, एट द अब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज, अपने साथियों के विस्मृति, अब्सेंट माइंडेडनेस, विस्मृति पर आश्चर्यचकित हुए। इफ स्टैटिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, लेखक कहता कि यदि इस विषय पर सांख्यिकी आंकड़े अवेलेबल मतलब उपलब्ध हो, हाउ इवर, तो आई डाउट, मुझे संदेह है, वेदर इट वुड बी फाउंड, कि ऐसा पाया जाएगा, दैट अब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि जो विस्मृति है वह सामान्य बात होती है। इट इज द इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब कुशलता, यह एक कुशलता है, रैदर देन द इनफिशियंसी, अकुशलता की अपेक्षा, ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मानव स्मृति, मानव स्मृति की जो अकुशलता है उससे ज्यादा यह कुशलता है, यह मानव स्मृति की अकुशलता की अपेक्षा कुशलता है, दैट कंपेल्स माय वंडर, जो मेरे आश्चर्य को कंपेल्स, जो मुझे आश्चर्य करने को मजबूर कर देता है, दैट कंपेल्स माई वंडर, जो मुझे आश्चर्य करने पर, वंडर आश्चर्य करने पर कंपेल्स मजबूर कर देता है या बाध्य कर देता है। मॉडर्न मैन रिमेम्बर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, आधुनिक व्यक्ति यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर्स भी याद रखता है, ही रिमेम्बर्स द एड्रेसेज ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसे अपने मित्रों के पते याद होते हैं, ही रिमेम्बर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, गुड विंटेज, विंटेज का मतलब होता है अंगूर की फसल को इकट्ठा करना, तो वह अंगूर के फसल को इकट्ठा करने का समय भी याद रखता है, ही रिमेम्बर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, अपॉइंटमेंट्स मतलब निश्चित समय, फॉर लंच मतलब उसे दोपहर के भोजन तथा रात्रि के भोजन का निश्चित समय भी याद रहता है, His memory is crowded with the names of actors and actresses. उसकी जो स्मृति है, उसका जो मस्तिष्क है, वह एक्टर्स अभिनेता तथा एक्ट्रेस अभिनेत्रियों के नाम से भरी हुई है, एंड क्रिकेटर्स मतलब क्रिकेटर के नाम से, एंड फुटबॉलर्स फुटबॉलर के नाम से, एंड मर्डर्स हत्यारों के नाम से। ही कैन टेल, वह आपको बता सकता है, व्हाट द वेदर वाज, कैसा मौसम था, लाइक इन ए लॉन्ग पास्ट अगस्त मतलब अगस्त के महीने में कैसा मौसम था, एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, और वह उस आपको प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय स्थानीय होटल का नाम बता सकता है, एट विच मतलब जहां पर, ही हैड अ वाइल्ड मील ड्यूरिंग द समर, जहां पर वह गर्मी के दौरान वाइल्ड मील मतलब घटिया भोजन किया था, इन हीज ऑर्डिनरी लाइफ उसके साधारण से जीवन में, अगेन ही रिमेम्बर्स वह याद रखता है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग एवरीथिंग मतलब सब कुछ,
दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर, जो उससे याद रखने की उम्मीद की जाती है. हाउ मेनी मेन इन ऑल लंडन फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग. कराए कि लंदन के नगर में प्रातः काल के समय कितने लोग ऐसे हैं जो वस्त्र पहनते समय अपने एक भी कपड़े को पहनना भूल जाते हैं. नॉट वन इन अ हंड्रेड, सैकड़ों लोग में से कोई नहीं. परहैप्स नॉट वन इन 10,000, शायद 10,000 में से भी कोई नहीं. हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने लोग फॉरगेट, भूल जाते हैं टू शट द फ्रंट डोर, सामने का दरवाजा बंद करना. व्हेन लीविंग द हाउस, घर को छोड़ते समय या घर से बाहर निकलते समय कितने लोग जो हैं वह घर के सामने का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं. स्केयर्सली मोर, शायद कोई. एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और ऐसा पूरे दिन चलता रहता है. ऑलमोस्ट मतलब अधिकांशता, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, रिमेम्बरिंग टू डू द राइट थिंग, सही काम को करना, एट द राइट मोमेंट मतलब सही समय पर, टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, जब तक वह सोने नहीं जाता है तब तक उसे याद रहता है कि कौन सा काम किस समय करना है. एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, तब एक साधारण व्यक्ति बहुत कम भूलता है. टू टर्न ऑफ मतलब बुझाना या बंद करना द लाइट्स मतलब बल्ब को, बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स मतलब ऊपरी मंजिल पर जाते समय. देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, एडमिटेड मतलब स्वीकार करना, ऐसा स्वीकार किया जाना चाहिए. सम मैटर्स, कुछ मामलों में, इन रिगार्ड टू विच, रिगार्ड का मतलब होता है मानना, टू विच द मेमोरी वर्क्स विच लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, ऐसा स्वीकार किया जाना कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बारे में, जिनके बारे में स्मृति साधारणतया पूर्णता की अपेक्षा कम काम करती है. लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन मतलब पूर्णता की अपेक्षा कम काम करती है. इट इज ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, मेथोडिकल मैन मतलब होता है नियमित कार्य करने वाला व्यक्ति. आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, लेखक कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ कि केवल एक नियमित कार्य करने वाला व्यक्ति, हु कैन ऑलवेज रिमेम्बर, जो याद रख सकता है, टू टेक द मेडिसिन, दवा को लेना, हिज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि उसके डॉक्टर ने उसको परामर्श दिया है. फार ही मतलब उसके लिए. लेखक कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ कि केवल एक नियमित कार्य करने वाला व्यक्ति ही दवा को समय पर लेना याद रख सकता है, जैसा कि उसके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब्ड परामर्श दिया है. दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, यह अत्यधिक आश्चर्यजनक है. बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेम्बर, क्योंकि दवा को लेना सबसे सरल कार्यों में से एक होता है. एज अ रूल, एक नियम के मुताबिक, इट इज सपोज्ड टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, ऐसा माना जाता है. सपोज्ड, ऐसा माना जाता है कि दवा को हम बिफोर, भोजन के पहले लेते हैं, या दौरान, भोजन के दौरान लेते हैं, और आफ्टर, या फिर उसके बाद लेते हैं. एंड द मील इटसेल्फ शुड बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन स्वयं इसे रिमाइंडर, स्मरण करा सकता है. मतलब जैसे हम भोजन लेंगे तो हमें याद पड़ जाएगा कि हमें दवा भोजन के पहले लेनी है, भोजन के समय लेनी है, या भोजन के बाद में लेनी है. द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य यह है, हाउ एवर, तो भी, दैट फ्यू बट द मोरल जियांट्स, मतलब एक नियमित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति, रिमेम्बर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, वह अपनी दवा को नियमित रूप से लेना याद रख सकता है. सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, कुछ मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं, दैट वी फॉरगेट थिंग्स, हम भूल जाते हैं वस्तुओं को, बिकॉज We wish to forget them, क्योंकि हम उसे भूलना चाहते हैं. And it may be that it is because of their antipathy. And it may be, और ऐसा हो सकता है कि it is because of their antipathy, उनकी
एंटीपैथी मतलब घृणा होती है टू पिल्स एंड पोशंस, दवा की पिल्स मतलब गोली एंड पोशंस मतलब खुराक, दवा की गोली और खुराक से उन्हें घृणा होती है। दैट मेनी पीपल फेल टू रिमेम्बर देम एट द अपॉइंटेड आवर्स, इसलिए बहुत से लोग उसे याद करना भूल जाते हैं एट द अपॉइंटेड मतलब नियुक्त समय पर। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, इस बात से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। हाउएवर तो भी हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग ड्यूटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ, लेखक कहता है कि मेरे समान जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत दवाओं से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, वह भी उन्हें भूल जाता है एज दोज हु टेक द मोस्ट अनविलिंगली, उन व्यक्तियों के समान जो अनविलिंगली मतलब उसे अनिच्छा पूर्वक लेते हैं। द वेरी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज, एक प्रॉस्पेक्ट मतलब होता है संभावना, बहुत बड़ा संभावना ऑफ अ न्यू एंड वाइडली, एक नए और बड़े से एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन को देखकर, क्योराल मतलब जो रामबाण औषधि होती है यानी कि हर रोग को सही करने वाली जो औषधि होती है, डिलाइट्स मी उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एट मतलब फिर भी इवेन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, फिर भी मेरी जेब में स्टफ मतलब दवा भरी होती है, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द आवर अप्रोचेस, आई फॉरगेट अबाउट इट मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ एज सून एज जैसे ही द आवर अप्रोचेस समय निकट आता है एट विच आई ought to swallow it, कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे इसे स्वेलो मतलब निगलने का समय आता है मैं इसको भूल जाता हूँ। केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्चून्स आउट ऑफ द मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक, लेखक कहता है कि केमिस्ट्स मतलब दवा विक्रेता इन दवाओं को बेचकर अपना भाग्य बनाते हैं यानी अपना पैसा बनाते हैं, जिन दवाओं को लोग लेना भूल जाते हैं।